उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 के हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में टैबलेट एवं पुरस्कार राशि का वितरण समारोह महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के सभागार में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने 20 छात्र छात्राओं को अपने करकमलों द्वारा टैबलेट एवं 21,000 का चेक वितरण किया, जिसके संबंध में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया कि जिले के जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के टॉप पर जो बच्चे हैं उनको 20 बच्चों को 21,000 रुपये का चेक और टैबलेट का पुरस्कार दिया गया। उन्होंने बताया कि CBSE में ऑल इंडिया पर तीसरे स्थान पर रही दिव्यांशी त्रिपाठी को 1,00,000 का चेक और टैबलेट दिया गया तथा उन्होंने छात्र छात्राओं को उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए टैबलेट पाने वाले मेधावी छात्र एवं छात्राएं दिव्यांशी त्रिपाठी, अंतिका दुबे, सचिन तथा आकृति मालवीय व ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा। विपिन सिंह जी, उसके साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित विधायक जी के स्वागत एवं अभिनंदन के लिए मैं से बीस के मेधावी छात्र छात्राएं जिन्होंने 10th और 12th के मतलब पुरस्कार वितरण में हमारे बीच उपस्थित हमारे जनपद के में हमारे शिक्षा के प्रति कितना लगाव है, साथ में मैं हमारे मंडल के हमारे मुखिया जो माननीय मुख्यमंत्री जी की या सरकार की जो भी नीतियां होती हैं उनका उसका जो भी शिक्षा विभाग में चाहे CBSE बोर्ड का हो चाहे UP बोर्ड का हो, जिसने भी अपने शिक्षा क्षेत्र में अच्छा योगदान दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो CBSE का अगर कोई उसको 1,00,000 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। और साथ में डेफिनेटली ये गोरखपुर के लिए एक महान उपलब्धि होगी कि आप जैसे बच्चे एक रोल मॉडल के रूप में यहाँ पर होंगे और भी अभिभावक या और बच्चे बच्चों को एक तरह का रोल मॉडल्स मिलेंगे कि हम भी इस तरह नीतू के लिए तालियां। दिव्या दुबे, आपका बच्चा यशस्वी बने, चलो बेटे बहुत अच्छे। सौम्या, क्या बनना है आगे? डॉक्टर बनना है। अभय कुमार, रितु सिंह, हेलो मोबाइल कहीं भी आपको किसी शहर में शिक्षा ग्रहण करना है फ्लाइट से बहुत मिनिमम फेयर उसका, कभी दिल्ली का किराया 18,000 से 22,000 हुआ करता था, आज तो 3,500 से लेके 4,000, 5,000, 6,000 में आप किसी शहर में जा सकते हैं, हर परिवार अफोर्ड कर सकता है। तो बहुत व्यवस्थाएं हैं, आप देखें जिस तरह से जितनी गुंडई हुआ करती थी हर क्षेत्र में, कहीं चाहे स्कूल कॉलेज में, जहां देखिए कहीं बमबारी अलाव लावा तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत ज्यादा सब तमाशा होता था, आप लोग जानते होंगे, लेकिन हमारा पूर्वांचल भी कम नहीं था। आज तो योगी जी की सरकार में सब कुछ सामान्य हो गया, अच्छा माहौल हो गया है, आप यहाँ भी रह करके वो पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि हम इलाहाबाद या दिल्ली में जा करके JNU में पढ़ गया तो JNU में राजनीति हो रही है, पढ़ाई कम हो रही है, तो बेहतर है कि आप लोग यहाँ रह के पढ़ लेंगे। और इसमें हमारी तमाम बेटियां थी जो कह रही थी हम डॉक्टर बनेंगे, अच्छी बात है, डॉक्टर बनेंगे समाज की सेवा करेंगे, ऐसा भाव मन में होना चाहिए, पैसा तो बहुत मिल जाता है, डॉक्टर जो आप देखें गोरखपुर में ही कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन भाव हमेशा मन में होना चाहिए कि नहीं
हम समाज के लिए भी कुछ कर रहे हैं। दिव्यांगी त्रिपाठी, मैं बहुत मोटिवेटेड फील कर रही हूँ। गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इंसेंटिव है जिससे और भी जूनियर्स मेरे मोटिवेट होंगे कि वो AISSE को और सीरियसली लें। और साइंटिफिक फ्रेटर्निटी में जैसे कि माना जाता है कि सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा ये जान के कि अगर वो लोग टॉप करेंगे तो उनको कैश प्राइज मिलेगा। उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे टैबलेट और 1,00,000 रुपीस दिए हैं। इसका यूज़ मैं अपनी एजुकेशन में करूँगी और डेफिनेटली उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी थैंक्स टू हिम। दिव्या दुबे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके क्या कहेंगे सरकार के लिए योगी जी? यही कि अच्छा किया है। पहले लगा था कि हम लोग को मिलेगा ही नहीं, बट लास्ट टाइम पैसे मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग को भी सम्मानित किया जा रहा है। क्या बनना है आपको? टीचर बनना है। सर सचिन यादव, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। और हाँ, ये मतलब पता चला है कि मेहनत का फल तो मिलता ही है। मतलब हमारे जूनियर होंगे इससे मोटिवेट होंगे, वो मतलब मेहनत के लिए सदा तत्पर रहेंगे, मतलब उनको लगेगा कि हाँ हम भी लोग मेहनत करें। और एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए टीचर्स और माता पिता का बहुत सहयोग होता है, जैसे हमारे स्कूल के प्रबंधक माननीय मंगेश्वरनाथ पांडे जी का तथा हमारे स्कूल के प्रिंसिपल माननीय ओम प्रकाश सिंह सर जी का, मतलब बहुत सहयोग रहा हमारे पढ़ाई में। सर आकृति मालविया, हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आज के समय में जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है पैंडेमिक में, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चलती है तो फिर सर अगर टैबलेट मिल गया तो फिर पढ़ने में आसानी होगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और थैंक्स भी बोलती हूँ अपने स्कूल को, अपने टीचर्स को, जिनकी वजह से इस लायक हुआ कि आके यहाँ खड़ी हूँ और ये ले रही हूँ। और सर को भी बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ जो उन्होंने ये दिया और आज स्टूडेंट्स को एनकरेज कर रहे आगे कमिंग फ्यूचर में और अच्छा मतलब करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। सर डॉक्टर बनना है। ये हमारे प्रदेश के स्वतंत्र मुख्यमंत्री जी पूज्य योगी जी महाराज जी ने जो फैसला लिया है प्रतिभा सम्मान के लिए, तो देखिए हमारे साथ हमारे JD साहब हैं, DOS महोदय हैं, हम लोग पूरा जो है यहाँ हमारे प्रधानाचार्य महोदय MG इंटर कॉलेज, यहाँ पर हमारे ज़िले के जो इंटरमीडिएट कॉलेज में टॉप 10 बच्चे हैं उनको और हाई स्कूल में भी जो बच्चे टॉप किए हैं उनको 10-10 की संख्या में आज यहाँ पुरस्कार दिया गया, 21,000 रुपये और टैबलेट। और हमारे साथ दिव्यांशी तिवारी यहाँ पर हैं जो ऑल इंडिया में तीसरे स्थान पर रही हैं, उनको एक CBSE में 1,00,000 रुपये उनको जो है यहाँ पर और टैबलेट दिया गया है। हम इन युवा भारत के भविष्य नौजवानों को हमारी बहनें जो इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और विश्वास करते हैं, इनके में दम है, यह लोग आगे चल के कोई डॉक्टर बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, इतना इन बच्चों में टैलेंट है कि निश्चित अपने भविष्य को संवारेंगे और अपने माता पिता, अपने ज़िले का और अपने उत्तर प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाएंगे। अपने मुख्यमंत्री जी के जैसा कि उन्होंने इन लोगों को आशीर्वाद दिया है, उनका भी मान सम्मान बढ़ाने का कार्य करेंगे और भारत का गौरव बनेंगे, ऐसा हम विश्वास है और ऐसी शुभकामना हम इन लोगों को देते हैं।